केरल के कोझिकोड में अग्निकांड का आरोपी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हिरासत में लिया गया है। एटीएस स्केच के जरिए संदिग्ध शाहरुख तक पहुंची। अभी ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो कोझिकोड के अग्निकांड में शामिल था या नहीं। बता दें कि केरल के कोझिकोड में ट्रेन की सीट पर बैठने को लेकर हुए विवाद में एक शख्स ने केमिकल से भरी बोतल फेंक दी थी, जिससे ट्रेन में आग लग गई। इस अग्निकांड में 3 लोगों की मौत हो गई थी। इसी मामले में बुलंदशहर के सियाना से एटीएस ने शाहरुख नाम के संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद एटीएस उसे अपने साथ गाजियाबाद ले गई है। बुलंदशहर के सियाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अकबराबाद में रविवार की देर रात गाजियाबाद एटीएस ने छापेमार कार्रवाई की थी। केरल में हुए अग्निकांड मामले में शाहरुख सैफी नाम के व्यक्ति को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। एटीएस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। पूछताछ में पता चला कि शाहरुख के 4 भाई हैं। 2 भाई गाजियाबाद में रहते हैं और बाकी बुलंदशहर में। केरल अग्निकांड मामले को लेकर एटीएस शाहरुख से पूछताछ कर रही है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।